हेलो एंड वेलकम टू जय स्टडी। जय स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको अवगत कराता हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो 2018 में हुई थी उसकी सेकेंड मेरिट लिस्ट की सूचना आ चुकी है और जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको एक बार विजिट कराता हूँ। सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल फ़ोन या डेस्कटॉप पर गूगल क्लिक कीजिएगा। गूगल जैसे ही आप ओपन करेंगे वहाँ आपको टाइप करना है UPPRPV, इसे सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस अर्थात कांस्टेबल का जो रहा था उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट आपकी खुल जाएगी गवर्नमेंट के लिए पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के लिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ सर्वप्रथम मुझे नज़र आ रहा है कि आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी PSC पदों पर सीधी भर्ती 2018 की प्रक्रिया के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मान्य परीक्षा हेतु अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बुलाए जाने के संबंध में सूचना है जो कि हाल ही में अपडेट की गई थी और ये डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड होगी ये तुरंत ओपन होगा और ओपन होने पर आपके साथ कुछ इस प्रकार की सूचना रहेगी। यस, ये 11 दिसंबर 2018 की अपडेट रही है और लेट नाइट रही है। तो इसकी कंडीशन क्या है इसे एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें कहा गया है आरक्षी नागरिक के लिए है कि पहले 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए थे लेकिन क्या है कि फिज़िकल में कुछ बच्चे निकल गए, कुछ जाति प्रमाण पत्र या के लिए या फिर स्थायी प्रमाण पत्र अर्थात वह डॉक्यूमेंट अपने पूरे नहीं दे सके उस टाइम के जिस टाइम भर्ती प्रक्रिया रही थी उस टाइम के मांगे गए थे। तो लगभग 62,000 अभ्यर्थी इन्होंने 1.5 गुना बुलाए थे। 42,000 की भर्ती को देखते हुए 42,000 वैकेंसीज को देखते हुए 62,000 अभ्यर्थी को लगभग बुलाया था जिसमें अभी तक यदि अगर देखा जाए तो 50% अभ्यर्थियों की पास होने की सूचना मिली है। तो लगभग 30,000 अभ्यर्थी वहाँ पास हो चुके हैं, 30,000 से कुछ ज़्यादा है और 11,000-12,000 के समथिंग अभी इन्हें और लेने हैं जिसके संबंध में इन्होंने अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बुलाए जाने के संबंध में सूचना प्रकाशित की है। तो जैसे मैं आपको बताऊं तो मेरिट लिस्ट से एक बार मैंने अवगत कराया था जिस समय आई थी तो जनरल की लगभग 225 रही थी जिसकी संभावना अब 220-221 रहेगी। OBC 216 रही थी जिसकी संभावना है 210-211। SC 187 रही थी जिसकी संभावना है 181-182। फीमेल्स की यदि बात करें तो 199 थी जिसकी संभावना है 195-196। तो कुल मिला के ये सेकंड मेरिट लिस्ट का आंकड़ा मैंने आपको दिया है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा तुरंत मैं आपको इससे अपडेट कराऊंगा। बाकी आपका फिजिकल के लिए तैयार रहिएगा। जो भी स्टूडेंट्स मेरे बताए गए मार्क्स अर्थात अगर जनरल की बात करूं तो जनरल मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ 220-221 और OBC की बात करें तो 210-211 और SC की बात करें तो 181-182 समथिंग मान लीजिएगा, नहीं तो इतना नहीं होगा लेकिन 185-84 तो रहेगा ही रहेगा। और फीमेल्स के लिए 94-95 जो भी स्टूडेंट्स इतना अपनी आंसर शीट में कवर कर रहे हैं एकदम ज़बरदस्त फिजिकल तैयार करना स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि आपको फिजिकल के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। DBPST होगा उसके अगले दिन या फिर नेक्स्ट डेज मैक्सिमम थ्री डेज रहेंगे, 3 दिन के अंतर्गत ही आपका फिजिकल भी हो जाएगा DBPST हो जाएगा। उसके बाद आपको वेटिंग में दे दिया जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए उसके मेडिकल के लिए। बाद में मेडिकल के लिए सभी का मेडिकल एक साथ होना है तो तब तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आपके दोस्त हैं आपके भाई आपके बहन हैं उन सभी को इस चीज़ की सूचना मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा और जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ।